चिकन के काफी स्टार्टर्स में से एक ये भी स्टार्टर बहुत ज्यादा फेमस है। आपने हमेशा तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का या चिकन 65 खाया होगा। कभी आपने चिकन दाना ट्राई किया है? ये बाहर से तो काफी क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से काफी सॉफ्ट होता है। इसे बनाना काफी सिंपल है और इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही कम लगते। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे चिकन का एक होल लेग है। वैसे तो आप मार्केट से जब चेस करेंगे चिकन को तो वो ही छोटे छोटे पीसेस में करके दे देगा, लेकिन जो पीस की साइज है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लेग है, इसका आपको आधा पीस करना है। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद हमें इसे क्लीन करना है, लेकिन पानी से नहीं, विनेगर से। पहला जो क्लीन होगा वो होगा विनेगर से। थोड़ा सा विनेगर डालिए, इसे अच्छे से रगड़िए, 5 मिनट इसे छोड़िए। उसके बाद पानी से फिर से आपको धोना है 1 से 2 बार। इससे सारा ब्लड भी निकल जाएगा और सो सारी गंदगी होगी ना वो भी निकल जाएगी। धोने के बाद आप इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे मैरिनेशन, जिसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 3 से 4 टेबलस्पून। हमने आधा केजी चिकन लिया है जिसके अंदर हमने 150 ग्राम दही डाला है। फिर देखिए, हमें इसे मार्केट जैसा बनाना है इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है ताकि ये भी एकदम बाजार जैसा दिखे। उसके बाद डाली है देगी मिर्च, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे डालिए। फिर मैंने डाला है ये मीट मसाला। अगर आपके पास ये मीट मसाला नहीं है तो गरम मसाला और ये किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट लगभग सेम आ सकता है। अब डालिए आप नमक और फाइनली डालना है आपको बेसन। ये मैंने डाला है 4 टेबलस्पून। इसे याद रखिएगा, आधा केजी चिकन के अंदर 4 टेबलस्पून बेसन। अब आप करिए इन सब को मिक्स। अभी आपको इसके अंदर कुछ भी और ऐड नहीं करना है, पानी भी ऐड नहीं करना है, दही से आपका गीलापन आ जाएगा, जिसे मिक्स करने के बाद आपका चिकन कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसे ढक देना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा सा गार्लिक है, थोड़ा सा ही जिंजर है और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज है। इन सबको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब 10 मिनट बाद आपका चिकन मैरिनेट हो जाएगा ना तो ये सब आपको उसके अंदर डालना है। उसके अलावा 1 टीस्पून आप डालेंगे रेड चिली का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब देखिए, आपके पास अगर राइस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है मेरी तरह तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड करिए। जितना आपने बेसन डाला है ना उसका डबल क्वांटिटी का डालना। मैंने 4 टेबलस्पून डाला था इसलिए 8 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। फिर सबको मिक्स करके एक अंडा डाल दीजिए। ये सारे मसाले और बेसन और कॉर्नफ्लोर है ना, इन सबको चिपकाने के लिए ये काम आएगा अंडा। हो सके तो इस अंडे को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चिकन तो हमारा एकदम रेडी है, अब तेल चेक कर लेते हैं गर्म हुआ नहीं। चिकन को तेल में डालने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो तेल आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर तेल का मीडियम पे होना चाहिए और तीसरा फ्लेम एकदम स्लो पे। एक बार तेल को गरम करके फ्लेम को आप एकदम लो पे कर देना है आपको, यही एकदम सही तरीका है फ्राई करने का। नहीं तो क्या होगा, बाहर से कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर आप मुझे ही बोलेंगे कि बताया ही नहीं। अभी जो मैंने बताया वो तो चिकन डालने से पहले ध्यान रखना है। चिकन डालने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 2 से 3 मिनट तक चिकन को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कोई करछी या चम्मच इसके अंदर नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना इसे। इसे 80% कुक होने में लगभग 6 मिनट लगेंगे। 6 मिनट बाद आप इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दीजिए। बाकी का जो 20% है ना वो हम बाद में पकाएंगे, पहले सिर्फ आपको 80% इसे कुक करना है। पहला लॉट निकालने के बाद फिर से सेकेंड लॉट आप सेक लीजिए, लेकिन वो भी आपको सिर्फ 80% ही कुक करना। उसके बाद गैस को एकदम गरम कर दीजिए, तेल एकदम गरम होना चाहिए आपका, धुआं निकलना चाहिए आपके तेल में। बस ऐसा होते ही डाल दीजिए सारे चिकन को एक साथ। पहले जब हमने चिकन को डाला था तेल में तब वो 80% कुक हुआ था, अब इसलिए डाला है ताकि वो क्रिस्पी हो सके और 20% कुक हो सके। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया और ये बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया। इस चिकन की खासियत मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि ये बाहर से तो क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, तभी कहलाता है ये चिकन दाना। अब फिर निकाल दीजिए आप इसे टिश्यू के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल सके। सर्व करिए इसे ग्रीन चटनी और मसाला अनियन के साथ। ग्रीन चटनी की अगर आपको रेसिपी सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है वो। इसी तरीके की शानदार रेसिपीज अगर आपको सीखनी है तो मेरे चैनल में बहुत सारी अवेलेबल है, लगभग 550। अगर आपको सीखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए।
आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मेहनत लग रही है मेरे दाल लगाने में भी और वीडियोस बनाने में भी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर उन लोगों को करिएगा जो फूड में इंटरेस्ट रखते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।